हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन हियर सेज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स ड्यूरिंग शॉपिंग. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना चाहिए शॉपिंग के दौरान. की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जान लेते हैं एक बार. की कॉन्सेप्ट इज अबाउट पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक बैग्स. ये प्लास्टिक बैग्स पॉल्यूशन कॉज कर देते हैं, इस वजह से हमें इनको यूज नहीं करना चाहिए. एक बार प्लास्टिक बैग का देख लेते हैं. प्लास्टिक बैग कैसे किस किस फॉर्म में पॉल्यूशन कॉज करता है एनवायरनमेंट में. सो हियर वी विल राइट प्लास्टिक बैग से जो डैमेजेस देखने को मिलते हैं. प्लास्टिक बैग डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट हो जाएगा दैट इट कॉजेस पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट. चाहे इसे बरी करा जाए, जमीन के अंदर गाड़ा जाए, या फिर इसको बर्न किया जाए, ये हर एक फॉर्म में एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. कॉजेस पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट. ठीक है. और दूसरा रीजन क्या है? इट पॉल्यूट्स सॉइल एंड एयर. सॉइल में बरी किया तो सॉइल को पॉल्यूट करेगा, और एयर में बर्न किया, जला दिया, तो एयर को पॉल्यूट कर देगा. ठीक है. और इसकी जो रीसाइक्लिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. रीसाइक्लिंग कॉस्ट एक्सीड्स एक्सीड्स इट्स एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, जितने में हमारा प्लास्टिक बनता है, उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट हमें इसको रिसाइकल करने के लिए लगाना पड़ता है. एक्चुअल वैल्यू और वी कैन से कॉस्ट. ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर के ये डिकम्पोज होता है, लेकिन बनने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है. और इसे बहुत लोग आजकल वाइडली यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीप्स अर्बन एरियाज में हो चाहे रूरल एरियाज में हो, बहुत बड़े बड़े इसके लैंडफिल्स और हीप्स देखने को मिलते हैं. तो इस तरीके से तो ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देता है, और जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं होता. जो क्लॉथ बैग होता है वो क्यों यूज़ करना चाहिए? क्लॉथ बैग इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल से बना है. इट इज़ मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल. नेचुरल मटेरियल या वी कैन से नेचुरल फाइबर्स. दूसरा रीजन ये हो जाएगा, नेचुरल फाइबर से बनने की वजह से इट इज अ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल. इट इज अ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट. इट इज अ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो एनवायरमेंट में इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, तो पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा. बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. तीसरा क्या होगा कि ये रीयूज हो सकता है काफ़ी अच्छे से. अगर क्लॉथ बैग फट जाता है तो हम इसे बहुत अलग अलग कामों में यूज़ कर सकते हैं, इसका रीयूज कर सकते हैं इजीली. ठीक है. कॉजेस नो पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट. नो पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को किसी तरीके से पॉल्यूट नहीं करता, हेंस इट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपोनेंट. हियर वी कैन राइट एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो इन्हीं रीजंस की वजह से हमें क्लॉथ बैग को यूज करना चाहिए एंड प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करना चाहिए. आई होप यू गॉट द आंसर राइट. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.